Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about tenses. Time and tense are quite differ, not the same. Samay or kaal, ye dono ek nahi hai. Jab hum samay ki baat karte hain, when we talk about time, to ye hame verb ke bare mein batata hai, arthat kriya. Aur jab hum tense ki baat karte hain, तो ये वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बताता है, क्रिया के रूप, जैसे वर्तमान है या प्रेजेंट या पास्ट यानी भूतकाल है या फ्यूचर अर्थात भविष्यकाल है. ये अंतर है. टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका दूसरा नाम हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट, तीन ये वर्तमान इसके काल हो गए. दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस. इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं. तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. अब प्रत्येक टेंस के अंदर चार प्रकार के वाक्य होते हैं. पहला वाक्य होता है अफर्मेटिव और पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक, स और कारात्मक, यानी जिसमें जिस वाक्य में काम का करना या होना पाया जाता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें काम का न करना पाया जाता है अर्थात जिसमें नेगेटिव एलिमेंट होता है, जैसे नो, नॉट, इस प्रकार के, या नेवर, ये शब्द नकारात्मकता का बोध कराते हैं. तीसरे प्रकार के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. इंटरोगेटिव सेंटेंसेज वे होते हैं जो प्रश्नवाचक कहलाते हैं. ये दो प्रकार के बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरे होते हैं WH वर्ड से. जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं वो यस नो क्वेश्चन होते हैं और WH से बनते हैं वो वर्णनात्मक विस्तार से होते हैं. और चौथे प्रकार के वाक्य हो गए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें नेगेटिव एलिमेंट होता है नो या नॉट का, कोई ना कोई शब्द ऐसा होता है, और फिर प्रश्नवाचक भी होता है जिसमें हम नकारात्मक का प्रश्न करते हैं कि ये क्या ये नहीं हुआ, इस प्रकार से. प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इंटरोगेटिव मार्क अर्थात प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं. और जो नकारात्मक प्रश्नवाचक होता है उसमें नेगेटिव एलिमेंट अर्थात नकारात्मक शब्द भी होता है और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह भी होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी पहचान, ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है शब्द आता है. अंग्रेजी पहचान, यानी वे एडवर्बियल्स जिनको हम पहचान सकते हैं कि ये शब्द होने पर मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा. ये हैं डेली, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, ऑन संडेज, इसमें और कोई भी वार आ सकता है, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, वंस और ट्वाइस, हार्डली, हैबिचुअली. इसके अलावा एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी नाइट, अथवा ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर एंड सो एंड सो. इसके बाद में हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर यानी वाक्य रचना. जब हम अंग्रेजी बनाएंगे हिंदी वाक्यों की सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उस समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर. सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन का होने पर एस या ईएस का प्रयोग क्रिया के साथ में लगाते हैं. इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद अदर वर्ड्स या टाइम
प्लस प्लस इस प्रकार से आता है। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स होती है डू या डज, जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए काम आती है, और प्रश्नवाचक अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी काम आती है। गो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब इज ऑलवेज इन प्लुरल फॉर्म। कोई भी जो क्रिया होती है वो हमेशा बहुवचन होती है। जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन होता है और वह एक वचन होने के कारण क्रिया को एस या ई एस लगा करके हम एक वचन बनाते हैं। गो एक वर्ब है, गो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड है वेंट, थर्ड है गॉन, और इसकी चौथी फॉर्म हो गई आई एन जी फॉर्म, और पांचवी हो गई एस या ई एस फॉर्म। वर्ब एंडिंग विथ आइदर एस जिन क्रियाओं के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड अथवा ओ होता है, उन क्रियाओं को एक वचन बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करते हैं। जिन क्रियाओं के अंत में इन को छोड़कर के अन्य अक्षर होते हैं उस क्रिया को एक वचन बनाने के लिए केवल एस का प्रयोग करते हैं। आई गो फॉर ए वॉक डेली, वी गो फॉर ए वॉक डेली, यू, ये सब बहुवचन है। आई को इसमें हम बहुवचन मानते हैं। वी यू दे बॉयज पीपल या और कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट जो बहुवचन करता हो उनके साथ हम हमेशा क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें एस या ई एस का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, और सिंपल इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी आई एन जी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। और ही सी या इट या राम या सीता या अन्य कोई भी कर्ता जो एक वचन है उस कर्ता के साथ में क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम इसमें गो है, गो में हमने ई एस लगा दिया तो ये गोज अब क्रिया एक वचन बन गई। ही गोज फॉर ए वॉक डेली, सी गोज फॉर ए वॉक डेली, राम गोज फॉर ए वॉक डेली। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर ब्रीफ स्टडी अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अगले टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।